Happy and a vibrant day. Myself Sushmita Sahu, and today I'm going to take grammar. In grammar today I'm going to take a very basic topic, and that is tense. Tense को हम यूजली रिलेट करते हैं क्योंकि हमें अनुवाद करना होता है. वैसे मेरा मानना यह है कि हर भाषा को, एनी लैंग्वेज को, हमें उसी उसमें पढ़ना चाहिए. हमें अनुवाद की उतनी आवश्यकता नहीं होती. चलिए, इफ यू लाइक माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब फॉर इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट विद टेंस. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम, व्हाट इज टेंस? टेंस मींस टाइम. मतलब हमें टेंस से समय का ज्ञान होता, समय ज्ञात होता है. थ्री टाइप्स के टेंस है. प्रेजेंट टेंस, दैट इज जो अभी चल रहा है. पास्ट टेंस, भूतकाल जो हो चुका. फ्यूचर टेंस मतलब कि जो आने वाला है. एक बार मैं रिपीट करती हूँ. प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है. पास्ट मतलब जो हो गया. फ्यूचर जो आने वाला है. चलिए अब हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं. प्रेजेंट टेंस जो है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टेंसेस. सो वी विल गो रीड ऑल ऑफ देम वन बाय वन. द फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ प्रेजेंट बट डन, नॉट टेल अस वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट. मतलब कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हमें ये बताता है कि एक्शन अभी हो रहा है पर खत्म हुआ कि नहीं, ये हमें नहीं पता चलता है. दैट इज द सन राइजेज इन द ईस्ट. आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे. कुछ परफेक्ट चीजों के बारे में बताता है. आई वॉन्ट टू पास दिस एग्जाम. बट अभी ये हो रहा है बट हुआ है कि नहीं, हमें इससे ज्ञात नहीं होता. ये प्रेजेंट टेंस का सिंपल फॉर्म है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यूजली कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी आता ही है. इट शोज द एक्शन इज टेकिंग प्लेस नाउ. मतलब कि अभी वो काम चल रहा है. लाइक आई एम टॉकिंग टू यू. टॉकिंग, टी ए एल के आईएनजी, आईएनजी इसमें जरूर आता है. हियर आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग. सो दिस एंड आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो. This also shows an action which is likely to happen in near future. But we are talking it at present, so it is present continuous tense. Then we come to the next type of present tense, and that is present perfect tense. हमेशा याद रखिए, जब हम present perfect tense की बात करते हैं तो इसमें has है और have का उपयोग होता है. Just ये एक clue है. हमेशा फिट बैठेगा जरूरी नहीं है, बट दैट इट इज. सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन एट प्रेजेंट. जो चीज अभी खत्म होती है, लाइक आई हैव डन माय स्टडीज, दैट इज मैंने अभी अपना काम किया है. हैज ही अराइव्ड, और माय अंकल हैज स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस रिसेंटली. दिस इज द एक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट. Now let's come to the next, that is present perfect continuous tense. इसमें has been का उपयोग होता है. देखिए, पिछले वाले में has been था, has था, that was perfect, और has been आ गया, मतलब continuous tense है. और continuous tense है मतलब ing तो लगेगा ही. It shows the action which began at some time. कोई ऐसा action जो कभी पहले चालू हुआ है बट वो अभी एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग अप टू प्रेजेंट, और पर वो अभी भी चल रहा है. इसमें एक चीज रहती है बच्चों, इसमें एक क्लू रहता है, हैज बीन रहता है और आईएनजी लगता है. लाइक मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग फॉर 5 years. मतलब पहले कभी उन्होंने चालू किया था पर अभी भी चल रहा है. इसलिए ये कंटिन्यूस है और हैज बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट है. चलिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टेंस, एंड दैट इज पास्ट. मतलब जो बीत गया. सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस. इट इज सिंपल. इट शोज द एक्शन व्हिच टुक प्लेस इन द पास्ट ऑफ टाइम. मतलब जो पहले हो चुका है उसके बारे में बताता है. जैसे कि राहुल वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे. राहुल कल घूमने गया था. देन वी अगेन हैव पास्ट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट में क्या हमें शो होता है? एक्शन टू, इट शोज एन एक्शन, an earlier action when two actions in the past are mentioned. The students has cheated before the teacher saw them. Perfect tense है. देखिए, present perfect tense में हमने has का उपयोग किया था, यहाँ पे had का करते हैं. The students had cheated.
बिफोर द टीचर सॉ देम, एक कोई एक्शन जो कि कंप्लीट हो रहा है. नाउ नेक्स्ट वी सी द फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, past continuous tense to show an action in progress at some time before the time of speaking. कोई ऐसा action जो कि हम अभी हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट पहले खत्म हुआ है, like Riya was singing a song last night. यहाँ पे was का उपयोग होगा और continuous tense है तो ing तो लगेगा ही. present में Riya is singing a song हो जाएगा, past continuous tense में Riya was singing a song. Next, next we come to future tense. The future tense, simple, it is same way, simple future tense. Something जो आगे होने वाला है. Like, it shows an indefinite supposed action in the future. He will read the story book. सी प्रेजेंट में ये होगा ही रेड द स्टोरी बुक, पास्ट में होगा ही रेड द स्टोरी बुक, ही इज रीडिंग द स्टोरी बुक एंड ही विल रीड द स्टोरी बुक, ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा. देन नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू शो एन अर्लियर एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर. देखिए कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा, फ्यूचर है तो विल आएगा और विल के साथ यहाँ पे बी लगेगा. ही विल बी गिविंग हिज नोट्स टुमारो, मतलब वो आगे फ्यूचर में कभी अपने नोट्स देगा. बट इसको आप क्लू पकड़िए, आईएनजी है मतलब कंटिन्यूअस है, फिर उसके आगे देखिए कि वॉज है, विल है कि इज है, तो आपको कौन सा टेंस है पता चल जाएगा, पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया हैज और हैव का यूज होता है, पास्ट में हमने हैड किया था यूज, यहां पे विल यूज कर लेंगे हैव के साथ. ही विल हैव चीटेड इन द एग्जाम, दो साउंडिंग में ये बहुत ऑड लगता है बट ग्रामेटिकली इट इज, दिस इज वॉट इज करेक्ट. सो आई होप सो आपको ये समझ आ गया हो. टेंस चार्ट में आपको इसके बाद देती हूं एंड जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है वो हम एक बार और फिर देख लेते हैं. इट इज यूज टू शो एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ डेफिनेट मूवमेंट इन फ्यूचर, विल कंटिन्यू अप टू दैट मूवमेंट एंड विल बी इन प्रोग्रेस इवन एट दैट मूवमेंट. ही विल हैव बीन, देखिए फिर यहाँ पे परफेक्ट है तो हैव आएगा, कंटिन्यूअस है तो बीन आ जाएगा और आई एन जी लग जाएगा. सो ही विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1999. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा बेटे. तो दिस इज समथिंग इन प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस में लाओगे तभी ये बनेगा. यू डोंट हैव टू कीप ऑन थिंकिंग ग्रामेटिकली. यस, व्हेन यू आर डूइंग अ पेपर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स है, जैसे मैंने बताया had been, have been, will be. So by these words ये आप अपने क्लू में रखिए कि ये दिया है मतलब ये तो ये होगा. You don't have to put too much of brain there कि नहीं this not this that. आप simply कुछ words pick करें कि ये words आ रहे हैं मतलब कि ये tense ये वाला होगा. I hope so chart आपको समझ आ गया होगा. With this thank you, bye, take care.